हाँ जी, आपका नाम क्या है? अंगूरी देवी। अच्छा, आपको क्या दिक्कत थी? दिक्कत यही, मैं छत से गिर गई, उसके बाद आधा हिस्सा बेकार होगा मेरा, अच्छा, पैर भी हाथ भी सब। तो अभी आप आए थे, आपका हाथ कहाँ तक उठ रहा था? उठा के दिखाओ। इतना उठ रहा था? इतना आप उठा के दिखाओ, अब तो पूरा उठ गया। हाँ, चोट कितने साल पहले लगी थी? दर्द हो रहा वैसे बहुत। कोई बात नहीं, दर्द भी ठीक कर देते हैं अभी। कितने साल पहले चोट लगी थी आपकी? 15 साल तो हो गए होंगे, 15 साल हो गए। तो 15 साल से आपका हाथ ऐसे ही था? हाँ, नीचे कोई रखू मैं ऐसा हाथ। क्या बात है, ये सही भी 15 साल से हाथ ऐसे ही पूछ लो इनसे। छत से गिरी थी तब से इनका ये पूरा ऐसे ही काम नहीं कर रहा था, हल्का नहीं उठा था, पूरा नहीं उठता था, पूरा नहीं। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज जो पूरा नहीं उठ गया। तो दवाइयां दवाइयां खाई आपने? बहुत दवाइयां, दवाई तो इतनी खा रही हूँ हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितनी गलत बात है ये, 5 मिनट के काम में आपने 15 साल लगा दिए। ये हाथ सही है, इधर का हिस्सा। तो अब तो ये भी सही हो गया, ये भी करके दिखाओ। ये भी ठीक है, अब तो उठ रहा है। दर्द तो हो रहा है, कोई जी दर्द हो जाएगा अभी, वो भी ठीक कर देंगे। और कुछ कहना चाहोगे लोगों को? बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं बस जो मेरे साथ के सबने ले आऊंगी फिर यहाँ। सही बात, आप ठीक हो जी, बस यही बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है जी? नीलम श्रीवास्तव। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर। गोरखपुर से। आपको क्या दिक्कत थी? फ्रोजन शोल्डर था, दर्द बहुत ज्यादा। कितने महीने से था फ्रोजन शोल्डर आपका? नियर अबाउट अगस्त से। अगस्त से था, ओके। तो आप क्या करवा रहे थे वहाँ पे? वहाँ पे भी थोड़ा दिखाया तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया। कितने इंजेक्शन लगा दिए आपको? 4 बताए थे उन्होंने स्टेराइड के, लेकिन मैंने 2 ही लगवाए थे, दर्द बहुत। ठीक है। और फिजियोथेरेपी भी करवा रहे थे आप? हाँ। कितने महीने से? 2 मंथ्स करवाए। और फर्क नहीं पड़ा? आप मेरे पास कल आए थे, कल और आज में हाथ आपका कितना ऊपर उठ रहा है, करके दिखाइए। काफी उठ रहा है। तो कितने परसेंट फर्क पड़ गया आपको अभी? मतलब मेरे ख्याल से 80 तो आ ही गया, मेरे ख्याल से 80 से तो आ ही गया। अब बेटा तू बता, मम्मी को साथ लेके आएगा, कितना फर्क है? मुझे तो दिख रहा है इनका काफी फर्क है, क्योंकि ये पहले बाल भी नहीं बना पा रही थी अपनी, और वो चोटी भी साइड में कर रही थी। अच्छा। और हाथ इनका उठ नहीं रहा था। अभी फिलहाल मैंने देखा कि इनका हाथ एटलीस्ट इतना जाके बाल बांधने के लायक हो गया है। आप एक बार अपने हस्बैंड को भी लाए थे यहाँ पे, किस लिए लाए थे वो? मैं उनको लेके इसलिए आई थी क्योंकि वो पता नहीं उनके पैरों में कोई तो नस खिंच गई थी, जाने क्या था, उनको लगा शायद वो डिसलोकेशन उनको हो गया है। तो कितने दिन में ठीक हो गए थे वो? आधे घंटे के अंदर। आधे घंटे में? वेरी गुड। आप ही के पास आके? हाँ। और हम मतलब मैं तो उनको जबरदस्ती लेके आई थी, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं था कि कुछ ठीक हो जाएगा, चलो पहले एक्सरे कराओ। और बस बेमन से आए थे और बिल्कुल फर्स्ट क्लास होकर गए एक ही सिटिंग में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप भी ठीक हो जाओगे जी, 2-3 सिटिंग और करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। थैंक यू। अरे भाई साहब, आपका अभी हमने ट्रीटमेंट किया 5 मिनट केवल, अब कितना हाथ ऊपर उठा सकते हो आप? क्या भाई, कितने परसेंट फर्क पड़ गया आपको? 50%। और हाथ पीछे कितना जा रहा है अभी? अब मैं पीछे बैक पॉकेट में हाथ नहीं लगा सकता था, अभी लगा सकता हूँ। अभी लगा सकते हो, बहुत बढ़िया। आप ये 2-3 दिन और करवाना, मेरे पास आना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप पैसे की चिंता मत करो, आप पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है? तो आपने आना है, एड्रेस मेरा ले लेना, आपको हम ठीक कर देंगे। हाँ जी, इससे ऊपर आपके हाथ नहीं होते? कितने महीने से नहीं हो रहे? ये हो गया मान लो 4-5 महीने हो गए। आपने काफी जगह इलाज करा लिया होगा? मुझे लगता है नोएडा का तो कुछ नहीं छोड़ा मेरे हस्बैंड ने। कितना खर्च कर दिया होगा आपने ऊपर? इसका मुझे भी आइडिया नहीं है। अभी आपको क्या क्या दिक्कत है इस समय? ये हाथ नहीं ऊपर हो रहे, दोनों हाथ ही ऊपर हो रहे। मेरे बैक में प्रॉब्लम है। बैक में क्या? बैक पेन है। बैक पेन है और मुझे उठने में दिक्कत होती है। एक बार चलती हूँ तो चल लेती हूँ, लेकिन एक बार जो उठना है ना, मुझे अपने आप को हिम्मत करना पड़ता है। उठ के दिखाइए एक बार।
अच्छा मुश्किल उठ रहे हो, ठीक। अभी आपका हाथ कितना ऊपर उठ रहा है? पूरा जा रहा है, शाबाश हो जाता, वेरी गुड। पीछे जा रहा है, पीछे भी करके दिखा दो मेरे को हाथ अपना। शाबाश, अब दूसरा हाथ ऐसे पकड़ के दिखाओ, वेरी गुड। तो ये जो आपके फ्रोजन शोल्डर है, कितने टाइम पहले गए हैं? डेढ़ साल हो गया। कितने डॉक्टर आपने दिखा लिए होंगे? नोएडा का तो कोई नहीं छोड़ा। कितने का राउंड? 10-15-20? 7-8 को तो दिखा लिया। 7-8 दिखा लिया। आपने फिजियोथेरेपी भी कराई? नहीं। अच्छा, और क्या क्या दवाइयाँ खाई? बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई। तो किसी ने आपको सजेस्ट नहीं किया कि आप एक्यूप्रेशर जाओ? हमने तो आज भी डॉक्टर से पूछा था, उन्होंने भी बोला कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, मसल्स वीक हो गई हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो। ओके, थैंक यू।